हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हमारी न्यू वीडियो है, बेसिकली वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन डील करते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज है, नॉट द ईयर, ठीक है। ईयर वाइज नहीं है कि सेल का एक क्वेश्चन या उसके बाद सो ऑन, ये चैप्टर वाइज है। जैसे आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और बेसिकली ये एमयू के पेपर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो डिस्कस करते हैं लगभग कितने क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। सेल से 21 क्वेश्चन है, 2005 से लेके 2016 और 17, इसका मतलब पिछले साल इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहली बात आती है आपकी, व्हाट, कि द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज। तो आप कैसे बताएंगे कि आखिर क्या मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। याद रखिएगा, आप क्वेश्चन में देखते हैं ऑब्जेक्टिव ABCD में क्या है, आपको बताना करेक्ट डिफरेंस। इन प्रोकैरियोटिक वैक्यूल आर एब्सेंट व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो पहला ऑप्शन में बताया गया कि प्रोकैरियोट्स वैक्यूल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये सवाल जो है आपका सही है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल नहीं होते और वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। बाकी ऑप्शन क्या देखते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स वेल एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। माइक्रोट्यूब्यूल की बात आती है, तो माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें हम, तो माइक्रोट्यूब्यूल याद रखिएगा प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। और यहाँ कहा गया इट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन यूकैरियोट्स, तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने में इनका रोल है। प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉलर न्यूक्लियस व्हाइल यूकैरियोट हैव बिगर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, टू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। लाइसोसोम आर एब्सेंट इन यूकैरियोट्स व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो लाइसोसोम्स की बात करें तो वो यूकैरियोट्स में होता ही नहीं है, सॉरी लाइसोसोम आर एब्सेंट इन यूकैरियोट्स, लेकिन लाइसोसोम यूकैरियोट में प्रेजेंट होता और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ए, तो करेक्ट इज ए, ऑप्शन इज राइट। समझ चुके हैं आप लोग, आगे चलते हैं। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, सेल को पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, देखिए थोड़ा मैं जूम करके आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे जाए। तो कहा जा रहा है कि सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लें, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो इसका आंसर याद रखिए ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट हुक, स्लेडन, शॉन, विर्चो। तो सही आंसर जो है वो रॉबर्ट हुक है, याद रखिएगा। उन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, ये 2015-16 में आया, ठीक है। ईयर तो आपको दिख ही रहा है, ईयर वाइज है, मैं ईयर नहीं बताऊंगा। पिछला क्वेश्चन 2016-17 का है, फिर 15-16 में आया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 2014-15 में आया, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इज फाउंड इन, पूछा जा रहा है कि सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या हैं, देखिए ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक सेल है, अमीबा प्रोटोजोआ है, प्लांट सेल और बैक्टीरिया। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका डी, तो डी इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, एनी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। द सॉल्यूशन यूज टू स्टेन सेल इज और आर, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि स्टेनिंग के लिए, स्टेन करने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, आयोडीन इस्तेमाल करते हैं, सेफ्रनिन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू, ऑल ऑफ दीज। तो आप याद रखिएगा ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, द आंसर इज डी इज करेक्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है, याद रखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, इफ अ सेल इज कैप्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल, अगर किसी सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक में रख दिया जाएगा तो क्या होगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में याद रखिएगा लोअर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। तो क्या होता है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है। तो अंदर से क्या होगा, कंसंट्रेशन बाहर को फिल होगा, तो सेल क्या करेगा, श्रिंक। तो इसमें ऑप्शन है स्वेल अप कर जाएगा हाइपरटोनिक में, या फिर श्रिंक कर जाएगा, स्विम इन अ साइड, स्टे द सेम साइज। तो याद रखिएगा ये क्या कर जाएगा, श्रिंक, हाइपरटोनिक में सेल क्या करता है, श्रिंक कर जाता है। तो ये समझ चुके हैं आप। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल, बॉडी के बाहर कौन सा सेल, लिविंग सेल मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ऑप्शन है आपके बैक्टीरिया,
प्रोटोजोआ, वायरसेस, फंजाई। तो देखिए बैक्टीरिया बाहर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्रोटोजोआ भी हो जाते हैं, फंजाई भी हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा वायरसेस नहीं हो पाते। तो आंसर है सी इज़ करेक्ट। समझ चुके हैं आप इसे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ ए सेल। आपने पढ़ा होगा कि सेल में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल सुसाइड कर लेता है ना, कोई भी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन क्या क्या है, देखिए पहले ब्लास्टिड हो सकता है क्या, लाइसोसोम, गॉल्गी अपरेटस, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा लाइसोसोम इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आंसर इज बी, बी इज़ अ सुसाइड, ठीक है, लाइसोसोम इज़ अ सुसाइड बैग। क्वेश्चन नंबर 7 इज कम्प्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रोकैरियोटिक सेल लैक, पूछा जा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल मौजूद होती है बैक्टीरिया में, याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन देखिए दो बार दे रखा ऑप्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो ये आंसर इज बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 2011-12 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। उसने कहा कि प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा, लेकिन ठीक है, प्लास्टिड, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होता है, वैक्यूल भी दोनों में होता है। प्लांट में छोटा होता है, एनिमल में, एनिमल्स में वैक्यूल छोटे होते हैं, प्लांट्स में वैक्यूल बड़े होते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी, प्लास्टिड, जो कि सिर्फ प्लांट में होता है। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो कलर्ड प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, समझ चुके हैं आप। तो बी आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच डिस्टिंग्विश प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कह रहे हैं एनिमल सेल को प्लांट सेल्स हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफर, टेक द रॉन्ग ऑप्शन, आपको गलत ऑप्शन चूज करना है। तो एनिमल में ए ऑप्शन है ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, सही है, एनिमल में जो ग्लूकोज स्टोर्ड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ऑप्शन बी इज स्टार्च इन प्लांट्स, ये भी सही जवाब है। प्लास्टिड इन प्लांट, ये भी सही है। रॉन्ग चूज करना है, देखिए रॉन्ग, तो प्लास्टिड इन एनिमल, तो ये गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि प्लास्टिड एनिमल में नहीं होता है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। 10-11 में आया था, 2010-11 एमयू साइंस स्ट्रीम एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है दोनों। चलिए हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। रॉबर्ट कोच वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रॉबर्ट कोच को बताया जा रहा है कि उसको, उनको नोबेल प्राइज किसकी डिस्कवरी पे दिया गया, कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। तो कॉलरा को, मलेरिया को तो मैकोलॉक ने किया था, टाइफाइड अलग है, ठीक है। ट्यूब एक कॉलरा, ऑप्शन क्या है कि ए कॉलरा है, बी मलेरिया, सी टीबी और डी टाइफाइड। टाइफाइड तो याद रखिएगा रॉबर्ट कोच को ट्यूबरकुलोसिस की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज मिला था। माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं, याद रखिएगा रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें तो द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल, याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोट यूकेरियोट दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन तो दोनों में बनेगी। तो कह रहे हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर द सेल टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल, इट फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। क्या ये सेल का फ्रेमवर्क बनाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सेल का फ्रेमवर्क। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, तो उसका मेन काम क्या है सेल का, कि आखिर ये क्या करेगा। तो जॉर्ज पैलेट ने, पहले आप क्लियर कर लीजिए इस राइबोसोम का काम, जॉर्ज पैलेट ने इसको, याद रखिएगा, 1950s में डिस्कवर किया था, उनको नोबेल प्राइज मिला था इसकी डिस्कवरी पे। राइबोसोम टर्म जो दिया था वो आरबी रॉबर्ट्स ने दिया था। राइबोसोम इज द मेन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली इसका जो काम है, मेन काम, तो याद रखिएगा इसका जो मेन काम है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है। तो अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 पे। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। देखा जाए वैसे ही किसका सवाल है ये, बेसिकली ये लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है, लेकिन चलिए यहाँ भी इसे कर सकते हैं।
ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में होगा क्या, CO2 वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। साइटोप्लाज्म में होगा किसका ब्रेकडाउन, पाइरूवेट का, तो उससे वाटर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, याद रखिएगा। फिर जब माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ब्रेकडाउन, मेन जगह है, ठीक है। अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो उसका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, द ब्रांच ऑफ बोटनी, देखिए द ब्रांच ऑफ बोटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, द ब्रांच ऑफ बोटनी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल, प्लांट सेल, सेल की इसमें स्ट्रक्चर फंक्शन हिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल, तो ये ब्रांच क्या जेनेटिक्स कहलाती है, ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, सी टैक्सोनॉमी और डी साइटोलॉजी। तो याद रखिए कि ये ब्रांच आपकी जो कहलाती है वो है आपकी साइटोलॉजी, साइटो मींस सी स्टडी ऑफ सेल, लॉजी मतलब स्टडी, तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। देखिए फिर क्वेश्चन आया 2007 और 8 में, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ, वहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछा था, यहाँ साइंटिस्ट पूछा था किस ईयर में, 1665 1664 1831 1839, तो 1665, तो 1665 में याद रखिएगा सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। तो ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं हम, अगले पेज पे देखते हैं क्वेश्चन 21 है इसमें सेल से, ठीक है। 2000 हमारा जो एनालिसिस है याद रखिएगा सेल बायोलॉजी का, वो 2005 से लेके 2018 तक का है, तो आप इन्हें अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से, और मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ, एनी कन्फ्यूजन हो तो वो पूछिएगा आप। अब देखिए अब आगे की तरफ देखते हैं क्या है, द प्लांट सेल हैव ए रिजिड सेल वॉल दैट लाइज, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन से भी ऊपर होती है, तो बेसिकली इसका काम क्या है, रखिएगा आउटसाइड, ये कहाँ पाई जाती है सेल वॉल, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, तो देखिए इट इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ चुके हैं आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन 17 पर आते हैं, द बाउंड्री लेयर ऑफ ईच सेल दैट सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम अदर सेल, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने वाली लेयर, सोचिए आप सेल, एक सेल को दूसरी सेल से, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लिपिड प्रोटीन, सी ऑप्शन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, तो इसका जो सही आंसर है वो है लिपिड प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड प्रोटीन, बाउंड्री सेल की सेल मेम्ब्रेन ही है, वो बनी होती है लिपिड प्रोटीन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18 पे, द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, अब देखिए क्वेश्चन 2006-07 का है, सेल वॉल जो है दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट और फाइबरस, तो ये डाइसेक्राइड होती है सेल वॉल। अब बात की जा रही है कि आखिर ये जो सेल वॉल होगी वो जो है आपकी वो क्या क्या होगी बेसिकली, तो ये है क्या, तो याद रखिएगा ये पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है, व्हाट इज पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज जो होता है, तो इसका आंसर है बी, तो डाइसेक्राइड नहीं है, पॉलीसेक्राइड कंपाउंड है, ना मोनोसेक्राइड है ना फ्रक्टोज मॉल्टोज, बी इज करेक्ट, 18 का बी, सेल वॉल इज मेडअप ऑफ सेलुलोज और दैट इज पॉलीसेक्राइड कंपाउंड। चलिए 18 से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, द सैक लाइक बॉडीज पैक्ड विद मटेरियल, द सैक लाइक बॉडीज पैक्ड विद मटेरियल सिंथिसाइज इन द ल्यूमिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो पूछा जा रहा है कि एक ऐसा सैक लाइक बॉडी जो पैक इसमें पैक्ड होती है, पैक्ड विद मटेरियल सिंथिसाइज इन द ल्यूमिन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमिन में इसका फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या है, तो बेसिकली याद रखिएगा लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, इज करेक्ट, लाइसोसोम है अपना पेरोक्सीजोम, इसका आंसर ना लाइसोसोम पेरोक्सीजोम ना लाइसोसोम सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में काम करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन के अंदर याद रखिएगा लाइसोसोम के फॉर्मेशन की प्रक्रिया चलती है, याद रखिएगा वहाँ प्रोसीजर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन सिंगल सेल एनिमल, जो एक सेल के जानदार होते हैं याद रखिएगा, खास करके अमीबा है, पैरामीशियम है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए है ना, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन के लिए, या फिर एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन सी, या फिर एक्सक्रीटरी एंड स्टोरेज फंक्शन, तो बेसिकली याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी इज करेक्ट,
एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये क्या चीज़ है ऑस्मो रेगुलेटरी, और तो वो वाटर बैलेंस है, कितना पानी अंदर से हल्के जाना है बाहर। ठीक है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल बेसिकली ये देखता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल आर यूजुअली स्फेरिकल, बेसिकली ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप होते हैं, और वो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स और लोअर मेटाजोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हैं, हाइड्रा हैं। तो ये फ्लूड को कलेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, बाहर से प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एंड पीरियोडिकली एम्प्टी इट इनटू द सराउंडिंग, बाहर निकाल देते हैं कुछ, अगर मटेरियल बाहर जाना है तो बाहर, अंदर करना है तो अंदर कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग, समझ चुके होंगे अच्छे से, तो इसका सी आंसर सही है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा इस चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन ईच सेल इज कंट्रोल बाय द हाइड्रोलेज रिलीज फ्रॉम। अगर किसी चीज़ को सॉल्युबिलाइज करना, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हमने खाया है, उसका हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलेज एंजाइम होगा वो कहाँ से रिलीज होगा, तो याद रखिएगा लाइसोसोम से होगा, याद रखिएगा। पेरोक्सिसोम ऑप्शन है, नहीं गलत, ल्यूकोप्लास नहीं, वैक्यूल नहीं, तो इसका सी इज करेक्ट। अब हम थोड़ा इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि लाइसोसोम क्यों है। तो लाइसोसोम आर एबल टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हाइड्रोलेज। उनके पास एक हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं, याद रखिएगा, जो लाइसोसोम के पास होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में तोड़ देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। पिछली प्रीवियस तो ये 21 क्वेश्चन थे, याद रखिएगा, और ये खास करके याद रखिएगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से थे। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इस चैप्टर के बारे में, पूरा एनालिसिस किया गया। पिछले साल इससे कोई 17-18 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 16-17 में एक क्वेश्चन है, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हर साल रहते हैं। तो आप लोग पहले इससे ये सारा एनालिसिस अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग शेयरिंग माई चैनल।